आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज़। खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। केंद्रीय दल 25 दिसंबर को तहसील में प्रवेश कर रहा है, जो अगस्त के अंत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र व नवंबर में वापसी की बारिश के साथ साथ तुड़तुड़ा रोग से ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर किसानों से संवाद करेंगे। टीम लाखांदूर तहसील के गवराला व डांभी विरली गांवों का दौरा करेगी। इस वर्ष खरीफ सीजन में लाखांदूर तहसील में लगभग 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल बोई गई थी, किंतु अगस्त में 3 बार बाढ़ के कारण तहसील के लगभग 35 गांवों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। तुड़तुड़ा गीटों के साथ वापसी की बारिश ने तहसील में 8,000 हेक्टेयर से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचाया था। इस पूरी स्थिति में इस वर्ष उत्पादन में गिरावट है। हालांकि ऐसे आरोप है कि बीमा कंपनी ने किसानों को मिड सीजन एडवर्सिटी के अनुसार नुकसान पर 25% अग्रिम भुगतान करने के नाम पर मजाक उड़ाया, जबकि क्षेत्र के किसानों को उम्मीद थी कि प्रभावित किसानों को पर्याप्त बीमा लाभ मिलेगा। इस बीच तहसील में घटती उत्पादकता व आने वाली गिरावट के मद्देनजर ये कहा जाता है कि प्रभावित किसानों को पर्याप्त बीमा लाभ प्रदान करने के किसानों को केंद्रीय टीम की यात्रा के दौरान स्थिति से अवगत कराना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस वर्ष के खरीफ में केंद्रीय टीम दूसरी यात्रा है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्षेत्र में किसानों के लाभ के लिए सरकार की ओर से उपाय किए जाएंगे। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।